नाउ लेट अस टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ फोर्सेस, फोर्सेस के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ एनिमल फाइबर, टाइप्स ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में हम पढ़ेंगे अभी। टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, कितने टाइप्स के फोर्स हैं। तो फोर्स के टाइप्स में सबसे पहला स्टार्ट करूंगा, तो सबसे पहला टाइप आता है कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स। सेकेंड वन आता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। मतलब ए टाइप ऑफ फोर्स दैट हैज लेटर वी विल टॉक, एंड कॉन्टैक्ट फोर्सेज आर ऑल्सो थ्री टाइप्स वी विल क्लासिफाई। देन द फर्स्ट वन मस्कुलर, मस्कुलर फोर्स। सेकेंड वन मैकेनिकल, मैकेनिकल। एंड थर्ड वन, थर्ड वन दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। नाउ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर ऑल्सो ऑफ थ्री टाइप्स। सो फर्स्ट वन ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकेंड वन मैग्नेटिक, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक। एंड थर्ड वन इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ फोर्सेस। नाउ लेट अस टॉक अबाउट ईच वन, लेट अस टॉक अबाउट द ईच टाइप ऑफ फोर्स वन बाई वन, टाइप्स ऑफ फोर्स। सो फर्स्ट वन कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट थ्री टाइप्स, मस्कुलर, मैकेनिकल, फ्रिक्शनल। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक। कॉन्टैक्ट फोर्स, लेट अस डिफाइन द कॉन्टैक्ट फोर्स। ए टाइप ऑफ फोर्स, ए टाइप ऑफ फोर्स इन विच, इन विच द सोर्स ऑफ फोर्स एंड द force acting on an object must have physical touch, physical touch, जिसमें क्या हो physical touch होना चाहिए। जैसे मेरे पास ये रहा, मेरे पास ये marker है, marker को मैं धक्का देने वाला हूँ, तो जादू नहीं है कि मैं ऐसे करके इसे मार दूंगा ये हिल जाए, नहीं। इसमें क्या करूंगा, मैंने उंगली का इस्तेमाल किया और इसको पुश किया, तो सोर्स ऑफ फोर्स यहाँ से प्रोड्यूस हुआ, मेरी उंगलियों से सोर्स ऑफ फोर्स प्रोड्यूस हुआ, और जिस बॉडी पे ऑब्जेक्ट पे यहाँ पे है, ये बॉडी पे एक्ट कर रहा है, यहाँ पे इस बॉडी पे एक्ट कर रहा है, और ये फोर्स हमारा उंगली सोर्स ऑफ फोर्स। तो देखा होगा क्या आपने, दोनों के बीच में, दोनों के बीच में एक फिजिकल टच प्रोड्यूस हुआ, फिजिकल टच, देयर इज अ फिजिकल टच, टच प्रोड्यूस हुआ। तो उस तरह के फोर्स को हम क्या बोलेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसा फोर्स जिसमें कांटेक्ट नहीं हो रहा, वो ऑटोमेटिक हो रहा है, वो किसी तरह का उसमें फिजिकल टच ना हो। जैसे कि मैं एग्जांपल दूंगा, बचपन में आप लोग बहुत अच्छा से एग्जांपल में करते थे, बाल में ये पेन लेकर आप इसको रब करने के बाद आप पेपर को क्या करते थे, ऐसे करते थे। चलिए मैं करके देखता हूँ, शायद हो जाए। सॉरी नहीं हो रहा, अभी कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा फोर्स जो कैसे प्रोड्यूस होता हो, बिना टच के, जैसे कि आप मैग्नेटिक फोर्स होता है, चुंबक को लगा दिया, चुंबक और लोहे, लोहा रख दिया, जैसे कि एक मैग्नेट है और मैग्नेट रख के और दूसरा क्या रख दिया यहाँ पे, एक मैग्नेट का है, एक बार मैग्नेट ले लीजिए और एक आयरन रॉड लीजिए, आयरन रॉड। तो आप देखेंगे क्या, ये दोनों एक दूसरे से क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे दोनों के बीच में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। मतलब ये क्या कर रहा है, मैग्नेट जो है आयरन पीस को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा। मगर इफ वी फाइंड दैट
we can find that there is no physical touch between magnet and the iron rod. There is no physical touch between magnet and the iron rod. So great example, we have a magnet and the iron rod. No physical touch. There is nothing between them. Only attraction, not physical touch. So this type of force is called non-contact force. इस तरह के फोर्स को हम क्या नाम देंगे? Non-contact force का नाम देंगे. तो non-contact force हुआ. तो contact, non-contact clear हुआ. अब हम बात करते हैं muscular force. Muscular force. तो muscular नाम से पता चला muscles. मस्कुलर फोर्स किसको बोलेंगे? मतलब ऐसा फोर्स जो किसके वजह से प्रोड्यूस हो? मसल्स के वजह से प्रोड्यूस हो. किसके वजह से प्रोड्यूस हो बच्चों? मसल्स के वजह से. जिसको हमने ऐसे किया, धक्का दे दिया, खींच दिया, ये सब पूरा का पूरा कैसे हो रहा है? ये किया ऐसे. मीन्स मस्कुलर फोर्स ए टाइप ऑफ फोर्स दैट इज प्रोड्यूस्ड और जनरेटेड ड्यू टू मसल्स, जो मसल्स के द्वारा प्रोड्यूस हो. तो ऐसा फोर्स जो कहाँ से प्रोड्यूस हो भाई? ऐसा फोर्स जो कैसे प्रोड्यूस हो? ड्यू टू मसल्स. प्रोड्यूस ए टाइप ऑफ फोर्स जो प्रोड्यूस ड्यू टू प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मसल्स. मसल्स मसल्स की वजह से. मैकेनिकल, नाम से पता चला मैकेनिकल मीन्स मशीन. ए टाइप ऑफ फोर्स दैट इज प्रोड्यूस ड्यू टू मशीन, मशीन के द्वारा प्रोड्यूस हो. जैसे कि आप देखते होंगे घर में आसपास आप लोग के मोटर लगा हुआ है. या तो सबसे बढ़िया एग्जांपल है, गर्मी का मौसम है, पंखा चालू करते हैं और पंखा क्या करता है? हवा को ऊपर से धक्का मार के नीचे पहुंचा रहा है. धक्का मार के नीचे पहुंचा रहा है. या तो मोटरसाइकिल या स्कूटर देख रहे हैं क्या कर रहा है? इंजन चालू करते हैं, मशीन हमको हेल्प करता है आगे जाने में. सो दिस टाइप ऑफ फोर्सेस मीन्स प्रोड्यूस ड्यू टू मशीन. मशीन के द्वारा जो प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस ड्यू टू मशीन इज कॉल्ड मैकेनिकल फोर्स. तो मशीन में भी कॉन्टैक्ट ही. फिर फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल, तो फ्रिक्शनल फोर्स ए टाइप ऑफ फोर्स. जब देखते हैं किसी चीज को रब करते हैं तो बहुत मुश्किल होता है रब करने में मुश्किल होता है. देखा होगा कि हम लोग कोई भी चीज को रब करते हैं, दो ईंट के बीच में भी रब करते हैं, या दो पत्थर के बीच में रब करते हैं, या दो आयरन पीसेस को भी रब करते हैं. तो सर याद कीजिए, या तो आप पढ़ा होगा तो ये आदि मानव का कहानी सुना होगा अर्ली मैन के बारे में. तो वो पत्थर से मार मार के क्या करता था? वो आग जलाता था अपना, वो आग लगाता था और वो अपना काम चलाता था. तो क्या भाई, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर इस तरह से एक दूसरे से क्या करता है? स्लाइड करता है या रोल करता है. तो क्या होता है, दोनों के बीच में जो एक क्या करता है, एक दूसरे को क्या करता है? रेसिस्ट करता है. और अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो आप कर सकते हैं, अपने दोनों हाथों को, हथेलियों को एक दूसरे से रब करें. तो ये फिर दूर में ऐसे से रब करें, और दूर में रब करना है और दोनों एक बार सटा के रब करना है. दोनों में यू विल फील फ्री व्हेन यू रब, व्हेन योर पाम्स आर लिटिल फार अवे फ्रॉम ईच अदर, एंड व्हेन यू पुट one after the one means if they are in contact and you start to rub, you feel something is assisting, kuch aisa lagta hai ki kuch resist kar raha hai, and you also feel warm. So this is what frictional force. Is tarah ke force ko kehte hain frictional force. Dekha hoga cycle ka tire, motorcycle ka tire, wo ghista hai. Ghista kyun hai? Frictional force ke wajah se wo ghista hai. So wear and tear hota hai. तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा कैसे एक्ट होता है बच्चों? जैसे कि कोई बड़ा सा ऑब्जेक्ट है और इस पे छोटा सा ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं? घिस रहे हैं, इसको स्लाइड कर रहे हैं, इधर की ओर धक्का दे रहे हैं. तो फ्रिक्शनल फोर्स याद रखिएगा, फ्रिक्शनल फोर्स जो है, फ्रिक्शनल फोर्स एफसी से लिखता हूँ, फ्रिक्शनल फोर्स अगर ऑब्जेक्ट इधर की ओर मूव करेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स उसके उल्टे डायरेक्शन में एक्ट करता है. अगर ऑब्जेक्ट को आप इधर लेकर आते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर की ओर एक्ट करेगा. इधर मीन्स फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज जनरेटेड. और एक चीज और नोटिस करेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स जो है दो ऑब्जेक्ट जहाँ पे कॉन्टैक्ट है वहीं पे प्रोड्यूस होता है. जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? कॉन्टैक्ट सरफेस पर प्रोड्यूस होता है, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट.
मूवमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है. तो दिस टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स. नाउ ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल नॉन कॉन्टैक्ट थ्री टाइप्स ग्रेविटेशनल मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक. सो ग्रेविटेशनल फोर्स. सो ग्रेविटेशनल फोर्स व्हाट ग्रेविटेशनल फोर्स. तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं धरती से बंधे हुए हैं. देखा होगा कोई भी चीज फेंकते हैं तो नीचे की ओर आ जाता है. ऊपर फेंकते हैं नीचे की ओर आ. इट इज द फोर्स द पुल फोर्स. इट इज द पुल फोर्स दैट इज जनरेटेड बाय द अर्थ. जनरेटेड अर्थ के द्वारा वो अपने सेंटर की ओर खींचता है. तो दिस टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स. मैग्नेटिक ऑलरेडी अंडरस्टूड करवाया था. मैग्नेट क्या करता है मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को. मैग्नेट क्या करता है मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करता है अपनी ओर खींचता है. मैग्नेटिक सब्सटेंस या तो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हो या तो एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को भी. एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को भी करता है. जैसे पढ़ा होगा लाइक फोर्स रिपेल एंड अनलाइक फोर्स अट्रैक्ट ईच अदर. अनलाइक फोर्स अट्रैक्ट मीन्स मैग्नेट के दो पोल्स है एक नॉर्थ है दूसरा साउथ है. देखा होगा एक मैग्नेट है बार मैग्नेट है एक नॉर्थ पोल है दूसरा साउथ पोल. दूसरा मैग्नेट में क्या है यहाँ पर अगर नॉर्थ पोल रखा है इधर साउथ पोल एक दूसरे को क्या करेगा ये इधर की ओर मूव करेगा. मगर यही कुछ ऐसा कंडीशन हो इधर नॉर्थ हो इधर साउथ हो मगर इधर भी क्या है साउथ इधर नॉर्थ. तो देखा होगा एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जाता है. सो दिस इज व्हाट रिपल्सर अट्रैक्शन. दिस वन द अट्रैक्शन दिस वन द रिपल्सर. एंड देयर इज नथिंग नो टच नो फिजिकल टच. They are acting, but there is no physical touch. That's why magnetic is type of non-contact force. Now another electrostatic force. Electrostatic. तभी हमने बताया था electrostatic का great example. जब आप सिर पर रब करते हैं इस तरह से, जब इस तरह से रब करते हैं, तो इसके ऊपर क्या बनता है? एक charge बनता है. जब आप सिर पर रब करते हैं या कहीं पर रब करते हैं, तो इस object के ऊपर charge बनता है और इस ऑब्जेक्ट के यहाँ पे चार्ज बनता है और ये क्या करता है दूसरे ऑब्जेक्ट को पेपर पेपर वगैरह को क्या करता है ये अट्रैक्ट करना स्टार्ट करता है. सो दिस टाइप ऑफ फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक. नाम क्या इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक. मतलब इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रो. इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज. चार्ज होता है टाइप्स ऑफ चार्ज. तीन तरह के चार्ज है. लेटर ऑन पढ़ेंगे हम लोग क्या है चार्ज. इलेक्ट्रो मीन्स यहाँ पे क्या हुआ चार्ज. बोलने का मतलब हुआ ए टाइप ऑफ चार्ज. ए टाइप ऑफ चार्ज. और स्टैटिक. स्टैटिक मीन्स रुका हुआ. स्टैटिक मीन्स नो मूवमेंट. मीन्स दे आर स्टेबल दे आर नॉट मूविंग. इलेक्ट्रोस्टैटिक तो ए टाइप ऑफ चार्ज दैट इज नॉट फ्लोइंग लाइक इलेक्ट्रिसिटी. उसमें चार्ज फ्लो कर रहा है मगर इसमें रुका हुआ है. इस तरह के चार्ज को क्या बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक. सेम कंसेप्ट है इसमें भी. चार्ज अगर सेम चार्ज है. चार्ज कितने तरह के होते हैं. चार्ज के भी टाइप्स. चार्ज के टाइप्स हैं. पहला है प्रोटॉन चार्ज. ऐसे पढ़ते हैं पॉजिटिव चार्ज. दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज. और एक चार्ज ऐसा भी है जो कैसा होता है न्यूट्रल होता है. न्यूट्रल चार्ज. तो हम पढ़ेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में. तो ऐसा चार्ज तो वही सेम मैग्नेट जैसा है. सेम चार्ज means like charges repel and like charges attract. टच में नहीं है दोनों. अगर एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है तो दूसरे को अट्रैक्ट करेगा. अगर पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है तो दूसरे को रिपेल करेगा. ये भी इसमें भी कंसेप्ट लगता है. सो दिस इज व्हाट टाइप्स ऑफ ये हुआ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोर्सेस.